Hello guys, this is Rohit Nayog from Rohit Edu 123 YouTube channel. Today हम discuss करने वाले हैं subconscious mind को train करके हम life में कैसे success बने। हर दिन आप सोने से पहले सोचते हो आप सुबह जल्द उठ के ये सब काम करना है। Then आप alarm देते हो सुबह उठने के लिए और सो जाते हो। फिर सुबह जब alarm बजता है देन अलार्म बजने के कुछ टाइम के बाद आप अलार्म बंद करके सो जाते हो या फिर उठ के आप अपने काम पे लग जाते हो। पर क्या आपको पता है अलार्म बजने से आप उठेंगे या फिर नहीं उठेंगे ये डिसीजन लेने तक माइंड में क्या चल रहा होता है। अगर आप सो जाते हो इधर आप सोचते हो कल तो देर से सोया था, पूरी नींद कहाँ पूरी हुई है, या फिर आप सोचते हो और एक घंटे सो जाता हूँ, वैसे भी एक घंटे में कोई लाइफ चेंज नहीं होने वाला, या फिर आप सोचते हो मैंने तो एक वीडियो में देखा था अच्छे सेहत के लिए अच्छे नींद बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उठ जाते हो तो आप सोचते हो अगर अब नहीं उठा तो कल एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिख पाऊँगा, या फिर आप सोचते हो मैंने तो बहुत बार ट्रेन के लिए 4 बजे उठा हूँ अब क्यों नहीं उठ सकता, या फिर या आप सोचते हो सुबह उठ के पढ़ने से अच्छे याद रहता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा राइट। सी मैंने ये एग्जाम्पल देने का मतलब हम जो सोने से पहले जो सोच के सोए थे कि सुबह उठना है ये सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा डिपेंड करता है आपके एक सोच के ऊपर, जो सोच आता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। हम लाइफ में किसी भी थिंग्स को अचीव करें या ना करें डिपेंड करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, माइंड जनरली 2 टाइप का होता है, कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन एंड सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जनरली हमारे माइंड का 5% होता है पर सबकॉन्शियस माइंड 95% होता है। कॉन्शियस माइंड का प्रोसेसिंग स्पीड 40 बीट्स पर सेकेंड होता है पर सबकॉन्शियस माइंड का प्रोसेसिंग स्पीड उसका 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है यानी कि 40 मिलियन बीट्स पर सेकेंड। कॉन्शियस माइंड जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर क्रिएटिविटी, लॉजिक, डिजायर, प्लानिंग, बट सबकॉन्शियस माइंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैबिट, सेंस, बिलीफ, थॉट्स, मेमोरी, फीलिंग्स। एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। बचपन में हम नंबर को टेबल को बार बार याद कर रहे थे क्योंकि नहीं याद करने से टीचर से डांट मिलता था, पर आज उसका रीजन समझ में आता है। फास्टली किसी भी चीज़ को अगर माइंड में देते हो कॉन्शियस माइंड तो एक्सेप्ट कर लेता है पर सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली कभी नहीं करता। बट अगर उसी चीज़ को रिपीटेड करते हो तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करने लगता है। अगर पूरी तरह सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है तो दुनिया भी किसी भी ताकत नहीं है जो उसी डिसीजन को बदल सकता है। आज अगर तुम्हें टू टू जा कितना पूछूंगा तो आप इंस्टेंटली 4 आंसर करोगे क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर चुका है। सक्सेसफुल पीपल और नॉर्मल पीपल में बस यही थोड़ा डिफरेंस होता है कि जो एक को कायर और दूसरे को बाजीगर बनाता है। मे बी उन्हें सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है नहीं पता होगा पर उसको कैसे ट्रेन करना है जानते हैं। जब आप एक वीडियो गेम खेलते हो फास्टली आपका कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, जैसे कि आप फ्री हैं चलो एक गेम खेल लेते हैं, पर जब हम गेम में घुसते हैं अब शुरू होता है सबकॉन्शियस माइंड का काम। जैसे आप एक लेवल पार करते हो फिर आप सेकेंड लेवल फिर थर्ड लेवल, पर ऐसे क्यों? क्योंकि जो प्लेजर आपको फर्स्ट लेवल पार करने में मिल रहा था वो मज़ा फिर से चाहिए सबकॉन्शियस माइंड को।
आज जो भी सक्सेसफुल इंसान है देख लो, वो लोग वो काम करते हैं जिसे वो एक्सपर्ट है। वो लोग उसी काम को करते हैं क्योंकि उनके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के डिसीजन सेम होता है। एक स्टूडेंट जब एक रूटीन बनाता है उसको फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड तो चाहता है रूटीन फॉलो करने के लिए, बट सबकॉन्शियस माइंड सोचता है मैं तो हर बार रूटीन बना चुका हूँ पर कभी ठीक से फॉलो नहीं कर पाया। इसीलिए जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव नहीं दोगे कि आप ये थिंग्स कर सकते हो तब तक उसी काम में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे ये सबकॉन्शियस माइंड का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लाइफ में अगर किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप ये 3WH क्वेश्चन आप जरूर पूछना। व्हाट यानी कि वो प्रॉब्लम क्या है, देन हाउ यानी कि हम वो प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, देन 3WH क्वेश्चन यानी कि व्हेन यानी कि हम कब वो प्रॉब्लम से निकालेंगे। टिल नाउ सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है जान गए हैं, अब डिस्कस करते हैं कैसे और कब करना है। एक फॉर्मूला होता है 3V यानी कि विजुअलाइज, वर्बलाइज एंड वाइटलाइज। विजुअलाइज का मतलब आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो उसे सोचो। सपोज आप एक बड़ा बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो आप फर्स्ट सोचो मैं वहाँ हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। जब कहीं एक न्यू प्लेस घूमने के लिए हम प्लान करते हैं आप क्या सोचते हो कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगा या फिर मैं कैसे कल सेल्फी लूंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। इसी तरह विजुअलाइज किया जाता है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। एक बात आपको पता है, आप सोच रहे होंगे वो करने से आपका कहीं घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। यकीन कीजिए इसी मेथड को एंड अप्लाई करो, देखेंगे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। देन सेकेंड भी यानी कि वर्बलाइज, जो भी आप बनना चाहते हो दूसरे को बताओ क्योंकि लोगों का नेचर होता है कि जो चीज़ आप उन्हें बोल देते हो जब आप नहीं कर रहे होते हो वो उसको याद कर देते हैं। ये 2V यानी कि विजुअलाइज एंड वर्बलाइज अगर अच्छे से हो गया तो वाइटलाइज अपने आप हो जाएगा, यानी कि आप कैसे उस मुकाम पर पहुंचाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। देन हम डिस्कस करते हैं लास्ट पॉइंट यानी कि कब करें। आप यकीन नहीं करेंगे सोने से पहले का 5 मिनट एक ऐसा टाइम होता है जो आपके सक्सेस और फेलियर के बीच में एक दीवार खड़ा कर देता है। वो एक ऐसा मोमेंट होता है जिस टाइम कॉन्शियस माइंड का पावर लो हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड का पावर बढ़ जाता है। प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं दिन में बीते हुए नेगेटिव थिंकिंग को, यानी कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो मुझे क्यों ऐसा बोला, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। दैट्स वाई हम कभी उसी प्रॉब्लम से बाहर नहीं जा पाते। सो इसी टाइम में माइंड को ऐसे थिंकिंग दो जो पॉजिटिव हो, जो आप बनना चाहते हो। लास्ट में बागी पिक्चर का एक कोटेशन शेयर करता हूँ। सुबह जब एक शेर जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो भूखा रह जाऊँगा। उसी सुबह एक हिरन जागता है और सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊँगा। एक सोच एक को शेर बनाता है और एक को हिरन बनाता है। आप क्या बनोगे लाइफ में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे एजुकेटेड एंड स्टे मोटिवेटेड।